Yeah, I have been invited to soft launch the Queen's Palace Inn. It is a resort with traditional as well as modern touch, bit away from the heart of the capital. तो ईटानगर में जो कैपिटल है बहुत रश हो गया है और उसमें आपका फैमिली और फैमिली के साथ बच्चे लोग के साथ शाम को खाने पीने के लिए एक्सेसिबिलिटी जो ऐसा फ्री एरिया विथ नेचर के साथ कहीं पर भी एक कुछ जगह भी नहीं है। तो मैंने देखा है कि ये जो क्वींस पैलेस इन जो है एक ऐसा जगह पे है जहाँ आपको गोपुर का जो तीन आली से ये जस्ट हार्डली 1 किलोमीटर जैसे ही है। देन इफ़ यू गो टू दैट साइड यू विल सी द गंगा लेक, देन द जू, देन अगेन फिल्म सिटी, देन NIT। तो ये एक ऐसा बीच में ऐसा फाउंटेन और आपका ये पॉन्स के साथ, पॉन्स नहीं है क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल के साथ और ट्रेडिशनल जो डेकोरेटिव के साथ ऐसा ये बनाया है कि मैं एंटरप्रेन्योर जो मेरा मकबो है टेची एंटोनी और उसका धर्म पत्नी मेरा बहन आपे को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि एक बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक जो बड़ा निशान एग्जांपल कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आजकल ऐसा दुनिया है कि सरकार का ही जो फैसिलिटीज़ को ढूंढते हैं यूथ लोग, तो यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम लोग जाते हैं। तो ये एक है, आप नौकरी छोड़ो जो भी छोड़ो, कुछ ना कुछ हम कहीं पर लगन से हम काम दिल दिमाग को लगाना है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप कोई किसी का सहारा भी नहीं लिया है, बिल्ड किया है। I congratulate the young entrepreneur for this wonderful and beautiful asset. This is going to be a big asset, environmental friendly with the nature. So this is going to be a big touristic spot and destination and a homely place for children, for family to dine, to have a good बर्थडे का भी हो या बड़ा बड़ा फंक्शन का भी हो, यहाँ हम अच्छा से मना सकता है। तो मैं हमारे जो एंटरप्रेन्योर उसको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और ईटानगर के डेनिजेंस को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कभी कभी आप बहुत थक जाता है ये सिटी में, ईटानगर में, तो 3-4-5 बजे करीब करीब आप समय निकाल के 1 घंटा आप यहाँ आपका डेस्टिनेशन को रखिए, इच अपने बीबी अपना बेटा बेटी को लेके आप फैमिली का डाइनिंग और यंग पीपल लोग यहाँ क्वाइट समय निकाल के यहाँ बैठ के खाना पीना करना चाहते हैं। तो इन लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट एंड डेस्टिनेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस कैपिटल सिटीजन्स टू एन्जॉय देयर फैमिली डाइनिंग and restaurant activity, and there is place for homely stay. यहाँ local traditional nishi abotani arunachal के जो system है सारे food को भी यहाँ मिलेंगे। तो मैं ईटानगर citizen से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप कभी भी miss ये opportunity को miss ना कीजिए और यहाँ आके आपका अपना life और अपना dining especially उसको आप enjoy कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा वेंचर है, ये सरकार ऐसे टाइप का जो वेंचर करता है उसको सपोर्टिव में आना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और यंग अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड ग्रेजुएट्स लोग भी इसी टाइप का जो एक्टिविटी है और आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। मायसेल्फ तेची एंथनी, हम ये क्वींस पैलेस इन का ओनर है, आज ही इसका ओपन इनॉग्रेशन हुआ है और ये लोकेशन जो है आपका ऑन द वे टू गंगा लेक ऑन द वे टू गंगा लेक आपका जू रोड टिनाली से लेके कुछ 200 मीटर अंदर में आकर के राइट साइड में पड़ता है। यहाँ का फैसिलिटी ऐसा है, स्विमिंग पूल है इसमें और बच्चा का पार्क है और रेस्टोरेंट भी है फैसिलिटी
अभी के लिए। और फ्यूचर में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें एक वाटर पार्क बनेगा और कॉटेज भी रहेगा, स्टेज भी रहेगा, आदमी का पिकनिक से लेकर के जितना भी आउटडोर का बर्थडे पार्टीज होता है, मैरिज पार्टी होता है, ये सब कोई फैसिलिटी हम लोग धीरे धीरे करके इंक्लूड करेगा बाद में इन फ्यूचर। और ये कितना बजे से कितना तक खुलेगा? इसका ओपनिंग टाइमिंग जो है आपका 11 टू नाइट 10 पीएम। तो सर वहाँ पे तो अभी रेस्टोरेंट भी ओपन हुआ है, तो उसमें आपका क्या क्या फैसिलिटीज मतलब मिलेगा? रेस्टोरेंट हमारा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन, ये सब सर्व होगा। मेरा माय होल फैमिली, मेरा सब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ वेलकम। आज से ये ओपन हो गया है, आप लोग का इनकरेजमेंट और आप लोग का सपोर्ट हमको बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डू काइंडली विजिट, थैंक यू। ओके, जैसे अभी ओनर ने, यहाँ का ओनर ने आप लोग को बताया कि यहाँ मैं भी पहली बार आया हूँ और इससे पहले यहाँ में क्या है कैसा है मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल में आके देखा है, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस एंड बहुत प्रेस है। और ये जो एक टू हम लोग ईटानगर का लोग जो है स्विमिंग पूल में या फिर तो रिजॉर्ट जाने के लिए हम नाहरलगन से होकर के होज या फिर डुईमुख जाना पड़ता था, लेकिन ये स्पेशली ईटानगर और चिंफू इसके लिए ये सबसे नियरेस्ट प्लेस है, जो हम यहाँ पे आ करके फैमिली के साथ और अपना फ्रेंड दोस्त के साथ हम यहाँ एंजॉय कर सकता है। सो देख के बहुत अच्छा लगा और मैं पहला एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं, बहुत मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ ये मालिक को लेकर के और ये जगह को देख करके बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि अरुणाचल में बहुत सारा टूरिस्ट का पोटेंशियल है, लेकिन उसको हम लोग किस तरह से न्यू इनोवेटिव ले करके नहीं कर पाता है वो, इसलिए धीरे धीरे करके सब अरुणाचल का भी आगे आ रहा है, तो हम लोग क्या है कि सपोर्ट करना चाहिए जो अगर ऐसा कर सकता है तो सभी जितना जो व्यूअर्स है मेरा तरफ से मैं वेलकम करेगा। और अच्छा लगा है आप लोग भी आइए और आज से ओपन रह करके बता रहा है और ये चलते रहेगा और एक बार आ करके आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। सर तो आपने रेस्टोरेंट में टेस्ट किया था कुछ खाने का, तो कैसा लगा आपको? बहुत ही डिलीशियस है और टेस्टी है एकदम, क्या बोलेगा। यहाँ पे हमको सुनने में आया है कि सैटरडे को निशी ट्रेडिशनल फूड्स भी मिलेगा और खुद पका के देगा, ऐसे करके मालिक हमको जानकारी दे रहा है, तो उसको सुन करके बहुत अच्छा लगा है। और ट्रेडिशनल फूड को आप लोग टेस्ट करना चाहता है तो सैटरडे को आप बुक करके या फिर आ करके आप उस ट्रेडिशनल फूड का आप आनंद ले सकता है, हम जरूर यही कहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मेरा पर दोस्त है मालिक जो इसलिए हमको इनवाइट किया है और मैं बहुत खुशी हूँ और आज दिन यहाँ पे मैं एंजॉय करके जाना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच।